बहुत संतोषजनक बात यह है कि विश्व के वो देश जो पहले भारत के आतंक के प्रति दृष्टिकोण से या पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, अब वो धीरे धीरे भारत की बात को समझने लगे हैं, हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार करने लगे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी जी की, ह्यूज विंडिकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, श्रद्धांजलि सभा और साथ ही साथ लाभार्थी सम्मेलन। श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिन्होंने पुलवामा में अपनी जानें खोईं, देश भर में इस समय शोक का माहौल है और विशेषकर जम्मू कश्मीर और जम्मू में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती पर ही शहीदों का खून बहा है और अभी तो हम इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले। लेकिन साथ ही साथ हमारे संगठन की संस्कृति में हमें यह भी सिखाया गया कि परिस्थितियां भले ही कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, हवाएं चाहे कितनी भी मुखालिफ क्यों ना हो, डगर कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन ना हो पाए, अपनी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा को थमने ना दें। और इसलिए इस वातावरण में भी ये लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद। और मुझे प्रसन्नता है कि भारी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति, महिला शक्ति आई है और जो उन्होंने अपने अनुभव और अपना आभार प्रकट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, वो उनके दिल की आवाज़ थी और देश के दिल की आवाज़ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे होगा इससे भी अच्छा हुआ।